अभिभावकों व छात्र को कॉलेज से आईसीसी सर्टिफिकेट व मूल कागजात मांगना पड़ा भारी। लीगल एडवाइजर डीडी कौशिक व अकाउंटेंट विक्रम सिंह ने बाउंसर व सिक्योरिटी गार्डों से दी पिटवाने की धमकी। अभिभावकों में आक्रोश, 3 महीने से काट रहे हैं चक्कर। कॉलेज में बुलाकर लीगल एडवाइजर ने की गाली गलौच व अभद्रता। अभिभावकों को फोन करके बुलाया था कॉलेज। मामला जनपद गाजियाबाद, तहसील मोदीनगर के निवाड़ी रोड पर स्थित डीजे डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च साइंस का है, जहां पर आलिम पुत्र यामीन ने 2012-13 से 2017-18 तक बीडीएस का कोर्स किया था। कॉलेज से आईसीसी सर्टिफिकेट व मूल कागजात मांगे जाने पर कॉलेज स्टाफ ने देने से मना कर दिया और उसके एवज में मोटी रकम की मांग की, जिसकी शिकायत अभिभावक कई जगह कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। केटी लाइव न्यूज के लिए कामिल चौधरी की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम मोहम्मद सालिम है। यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ अपने भाई के कागज लेने आए, और जो कि ये नहीं दे रहे हैं और बार बार हम पे फीस का और फाइन का रोल दिखा रहे हैं। क्या दिन हो गया आते आते यहाँ? हमें यहाँ लगभग 1 महीना हो गया। तो अब क्या क्या सोल्यूशन दिया? सोल्यूशन कुछ नहीं, गाली बकी जा रही है। क्या बुलाया? पहले बुलाया कि भाई आपको आना है बात करने के लिए, और अब आके कह रहे हैं कि भाई आपको किसने बुलाया है और आपको जो होता हो जाइए, जाओ कर लीजिए। गाली गलौज कर रहे हैं? पूरी गाली गलौज करी आपके सबके सामने। कौन दे रहा गाली? ये है डीडी कौशिक, यहाँ के लीगल एडवाइजर। क्या नाम है उनका? डीडी कौशिक साहब इनका नाम। कितने दिन साहब यहाँ चक्कर काट रहे हो? यहाँ हमें 31 मार्च को मिलनी थी इस बच्चे का सर्टिफिकेट। 31 मार्च से आज जो है 15 जून हो गई है। अब आप लगा लीजिए कितना टाइम होगा।